आज राजधानी पटना के जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक सद्भावना तिरंगा यात्रा निकाला गया तथा कारगिल चौक के पास संबोधित कर उसे समाप्त कर दिया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद सीपी ठाकुर, रामकृपाल यादव मौजूद रहे। सद्भावना यात्रा को यादगार बनाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग विषक्त हो गए हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। 44,000 लोगों की जान गई है, 44,000 लोगों ने आज तक सदाहत दी है। इसी कश्मीर के अंतर्गत कश्मीर का विकास अवरुद्ध था, कश्मीर के लोग परेशान हालात में थे। कई ऐसे महत्वपूर्ण कानून जो जनता के लिए उपयोगी साबित होता था, राष्ट्र का कानून से कश्मीर के लोग उससे वंचित थे। इसलिए आज देश में खुशहाली की लहर है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भी खुशियों की लहर है। देश में रहकर हम राष्ट्र का तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। वहाँ तो हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि हम आपको विमान भेज देंगे, जाएं जाके देखें। झूठ अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऐसे लोगों को मौका देने जो हमारे दुश्मन हैं, पाक के लोग, यहाँ वो बोलते हैं वहाँ उसको मजा आता है। वो राष्ट्र के लिए थोड़े बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। कि ये लोग अब इस तरह की राजनीति को कर आए हैं कि चिदम्बरम हो या कांग्रेस पार्टी के लोग विचलित हो गए हैं। 70 साल मिला संघर्ष, कितने लोगों ने शहादत दी, खासतौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी गंवा दी। राष्ट्र में कश्मीर के लिए कानून अलग और शेष भारत के लिए कानून अलग। दो झंडा, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, और एक विधान, एक प्रधान, एक झंडा। हम धन्यवाद ज्ञान देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देश के करोड़ों लोग आज आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने माननीय लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और सचमुच में देश को ताकत देने वाला पुनः एक गृहमंत्री के रूप में अमित शाह जी को, जिन्होंने ये हिम्मत किया दोबारा देश को आज़ादी प्राप्त कराने में सहायक भूमिका अदा करने का। 370 हटाने राष्ट्र को सैल्यूट करना चाहते हैं, भारत माता को नमन करना चाहते हैं। सही, ये लोग तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस का 35 से हटा, आज़ादी को 1947 में मिली थी, और सही आज़ादी आज लोग महसूस कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से आज़ादी का जश्न लोग मनाएंगे। पूर्व संध्या पर युवा लोक जनशक्ति पार्टी के नौजवानों ने हर साल की तरह इस बार भी यहाँ से कारगिल चौक तक जाएंगे, शहीदों को नमन करेंगे और तमाम पुरखों को याद करेंगे जिन्होंने आज़ादी को लेने के लिए अपनी शहादत देने का काम किया था, संघर्ष करने का काम किया। उनको नमन करना चाहते हैं, देशवासियों को, पूरे देशवासियों को, कश्मीर घाटी सहित सभी लोगों को हम अपील करना चाहेंगे कि हर घर में झंडा लहराइए, तिरंगा का शान उठाइए, भारत माता की जय बोलिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ आज हम लोगों ने यानी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर के तिरंगा यात्रा करने का। लेकिन कांग्रेस के जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, इस न्यूज के सह प्रायोजक है ग्रीन इंडिया, आपकी पसंद मेरी पहचान, डॉक्टर फिक्सिट, वाटरप्रूफ एक्सपर्ट, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, लाइफ टाइम फिटनेस जिम, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है हल्दीराम भुजिया वाला, चॉइस ऑफ इंडिया, सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट, इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, और प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ।